Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Aisha Joshi, and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 8th of August 2020 and we are going to take today's The Hindu news analysis. Okay, so possible jitna hoga utni news hum log yahan pe cover karenge and most probably aapke civils ke liye ya jo bhi competition exam ki aap preparation kar rahe hain uske liye jo bhi important news banti hai wo to hum yahan pe le hi rahe hain. उसके साथ में अगर कोई एडिशनल न्यूज़ आपको यहाँ नज़र आती है जो आपको लगता है आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूँ उसे इसीलिए लिया गया है टू जस्ट यू नो एनहांस योर नॉलेज और एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए हमने उसे ऐड किया. ठीक है, सो द फर्स्ट न्यूज़ इज 18 किल्ड एज लैंडस्लिप बरीज टी वर्कर्स क्वार्टर्स इन इडुकी. इडुकी के अंदर लैंडस्लिप हुआ है, उसी के कारण जो है टी वर्कर्स 18 टी वर्कर्स की डेथ हो चुकी है और 52 टी वर्कर्स अभी भी मिसिंग है. मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा बारिश के कारण जो है केरला के इडुकी के अंदर बहुत ज़्यादा जो हम कह सकते हैं वर्कर्स जो है टी वर्कर्स काम कर रहे थे और उसी समय वहाँ पर लैंडस्लिप हुआ और लैंडस्लिप होने के कारण वहाँ पे करीब 18 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 52 अभी भी मिसिंग है. 52 अभी भी मिसिंग है. ओके, नया मक्कड़ टी एस्टेट है पेटीमुडी, जिसके अंदर ये करीब राजमाला के पास है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के राजमाला के पास है और वहाँ पे थर्सडे को ये हादसा घटित हुआ है. फोर लियोन्स दैट इज़ हाउसिंग लाइन्स ऑफ इंडियन सॉरी टी गार्डन वर्कर्स वर बरेड अंडर डबरीज एज अ हिल नियरली 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द हाउसिंग लाइन्स. हाउसिंग लाइन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक एरिया है जहाँ पे जो हिल्स एरिया हिली एरिया हम कह सकते हैं वहाँ पे जो है लैंड स्लिप्स हो जाने के कारण वहाँ पे करीब 52 लोग जो हैं अभी भी दबे हुए हैं जबकि 18 लोग जो है उनको जीवित बचाया जा चुका है. हालांकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अभी उस पर वर्क कर रहे हैं, वर्कर्स अभी भी फाइंड आउट कर रहे हैं, लोकल वर्कर्स भी लगे हुए हैं वहाँ पे और कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके उन्हें बाहर निकालने की जिससे कि मैक्सिमम लेवल पर लोगों को बचाया जा सके. और अब ज़रूरत है कि ऐसे मामलों में लैंडस्लिप्स जैसे एरियाज़ के अंदर जहाँ लैंडस्लिप होने की या हम कह सकते हैं लैंडस्लाइड की संभावनाएं बन जाती है वैली एरिया के अंदर या इस तरह के एरिया के अंदर वहाँ पे गवर्नमेंट को वर्क करने की ज़रूरत है बिकॉज इस तरीके से मैक्सिमम लेवल पर लोगों की जो डेथ हो जाना लैंडस्लिप हो जाना बिकॉज वहाँ पे अगर केरला की बात करें तो काफ़ी हद तक टी ए वर्किंग एरियाज़ या टी गार्डन्स हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे जो टी वर्कर्स काम कर रहे हैं. अब ये जो एरिया है इसको देखते हुए ये जो घटना है इसे देखते हुए लगता है कि वी शुड वर्क ऑन ऑल दोज एरियाज़. ओके, एंड देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या पता चलता है कि कितने वर्कर्स को बचाया जा चुका है. ये रेगुलर अपडेट हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे. ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन ऑल्सो अ ट्रेजेडी. इट इज़ अबाउट ऑल इंडिया फ्लाइट. ऑल इंडिया की फ़्लाइट थी जो कि कैलीकट एयरपोर्ट पर जो रनवे है वहाँ पर स्किड हो गई और करीब 15 लोगों की मृत्यु हो गई है. ये प्लेन जो है ट्राई कर रहा था, देखिए बेसिकली वंदे भारत मिशन के तहत जो बाहर से जो फ़्लाइट्स जो लोगों को इंडियंस को लेकर आया जा रहा है उसी के तहत दुबई से ये फ़्लाइट आया था और बिल्कुल सक्सेसफुल जर्नी के बाद में फाइनली जब यहाँ पे कैलीकट एयरपोर्ट पे रन अवे पे जहाँ लैंड करने की कोशिश की जा रही थी वहीं पे जो है स्किड हो गया और करीब क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कभी करीब 15 लोगों की यहीं ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई और 153 लोग जो हैं 153 लोग जो हैं अभी भी इंजर्ड हैं. ओके, 153 पीपल्स आर स्टिल इंजर्ड एंड 15 पर्सन्स को डाइड एंड को इन 15 इन दोज 15 पर्सन्स को पायलट एंड पायलट वाज आल्सो इंक्लूडेड. So they got died. The injured passengers were shifted to hospitals in nearby Kondoti and various hospitals. Kondoti hospitals and Malappuram hospitals and all these districts are carrying hospitals where these all 153 passengers got shifted. Okay.
So let's see what will be the next thing. And if you have any person that is that was in that particular plane that was coming from Dubai, just go through this helpline number. You can see all these helpline numbers which were there, which will be there. So if you got any person who is missing of yours and he was traveling in that particular flight, just go through these contact details. Okay. The next article is based on COVID-19. जैसा कि आप सभी को पता है COVID-19 पीक पर चल रहा है. हम इंडिया जो है इंडिया वर्ल्ड लेवल पे हाईएस्ट डेली केसेस रजिस्टर करने वाला कंट्री बन चुका है एज ऑफ नाउ. डेली बेसिस पे जो है अगर हम डेथ टोल्स की बात करें तो डेथ टोल्स करीब 42,500 तक पहुंच चुका है, उसे भी क्रॉस कर चुका है. कहाँ पे? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका में. महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका की बहुत ही बुरी स्थिति है. वहाँ पे कंटिन्यू डेली बेसिस पे 60,000 प्लस जो है केसेस सामने आ रहे हैं. 60,000 डेली क्रॉस कर रहे हैं केसेस और 900 जो है डेली डेथ केसेस, डेथ टोल्स क्रॉस कर रहा है. तो इस तरीके से अगर हम बात करें डेली बेसिस पर जो है हम बढ़ते चले जा रहे हैं. 10.1% इजाफा लास्ट 7 डेज के अंदर केसेस में हुआ, जबकि डेथ केसेस की अगर बात करें, जो डेथ टोल्स की बात करें अगर हम, तो 7 डेज के अंदर 8.3% तक इजाफा हुआ. मतलब डेथ्स भी कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही हैं और केसेस भी कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं. तो एज ऑफ नाउ वी नीड टू वर्क लॉट ऑन इट एंड द पीपल हैव टू बी अवेयर. अब लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है क्योंकि केसेस कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं. तो उन केसेस पर कार्य करने की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इंडिया को है और इंडिया के खुद के लोगों को है. बिकॉज गवर्नमेंट अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ स्टार्ट करना हमारे लिए कंपल्सरी है, तो वो एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने के बाद में अल्टीमेटली वी गॉट दिस कि अब हमें वर्क करना है किस फील्ड में, उस फील्ड में जहाँ पे हम केसेस को कंट्रोल कर सकें. सो बी एट होम, स्टे सेफ, बिकॉज जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं घर से बाहर निकलना किसी भी खतरे से खाली नहीं है. आप कोशिश कीजिए जो वर्क आप कर रहे हैं वो घर पर से कीजिए, जितना हो सकता है मिनिमम लेवल पे आप घर से बाहर जाइए. ठीक है. द नेक्स्ट इज़ अबाउट दिल्ली पॉलिसी. दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट ने एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है जिससे कि इकोनॉमी को बूस्टअप किया जा सके और साथ ही इकोनॉमिक जो है लेवल पे बूस्टअप के साथ या इकोनॉमिक लेवल पे कंडीशंस के साथ में, प्रॉफिटेबल कंडीशंस के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने के कारण पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा. तो ये भी एक टारगेट है कि कैसे हम इकोनॉमी को बूस्टअप करते हुए पॉल्यूशन को कंट्रोल करें. दो फायदे एक ही जो है हम कह सकते हैं पॉलिसी में मिलेंगे, है ना. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है ये, इसे लॉन्च किया गया है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. किस लिए किया है? टू बूस्टअप द इकोनॉमी एंड रिड्यूस द पॉल्यूशन. और सरकार का ये कहना है, इवन केजरीवाल का ये कहना है कि अगर इसी तरीके से हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाए जैसा हमने सोचा है और जिस तरीके से कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम लोग वर्ल्ड लेवल पे टॉप क्लास कंट्रीज़ के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे. ठीक है. वर्ल्ड लेवल पे दिल्ली जो है वो एकमात्र ऐसा कंट्री बन एकमात्र ऐसा स्टेट बन जाएगा जो कि हाईएस्ट लेवल पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को के साथ में जो है मैक्सिमम लेवल पे रिड्यूस करना पॉपुलेशन को, उसमें उसमें टॉप करेगा और उसके साथ ही इकोनॉमी को बूस्टअप करने का काम करेगा. ठीक है. सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट. 200 चार्जिंग पोर्टल्स होंगे, चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और चार्ज होने के साथ ही जो है इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर कंज्यूम होगी इसके अंदर, लेकिन पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा और पॉपुलेशन के लिए ईजी हो जाएगा कम पॉल्यूशन के अंदर सर्वाइव करना. क्योंकि पॉल्यूशन का इशू जो है वो पिछले कई टाइम से दिल्ली में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है. इंडिया में हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉल्यूशन जो है वो हमें दिल्ली में देखने को मिलता है ना, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे. 30,000 तक जो है आप व्हीकल, टू व्हीलर परचेज कर सकते हैं, ऑटो रिक्शा परचेज कर सकते हैं, ई रिक्शा, इन सभी चीज़ों के लिए आपको करीब 30,000 तक की सब्सिडी प्रोवाइड होगी. वहीं 1.5 लाख तक की कार्स पर सब्सिडी प्रोवाइड होगी. ठीक है. जिससे कि आपके लिए इनको ख़रीदना ईजी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को. तो ये सारी चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगी दिल्ली को ओवरकम करने के लिए. इकोनॉमिक पॉलिसीज से ले लें या तो, या फिर हम लोग पॉल्यूशन इश्यूज से ले लें. ठीक है.
सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट. बट होपफुली अगर ये जो पॉलिसी है ये पॉजिटिव वे में जाती है, इकोनॉमिकल पॉलिसी हो जाती है, या जो बेस्ट आउट ऑफ हम कह सकते हैं जो रिजल्ट्स मिलते हैं उसके बेसिस पर अगर बात करें, तो अगर ये सक्सेसफुल होती है तो इंडिया के और भी स्टेट्स में और भी सिटीज़ में इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. और अगर ये पॉलिसी सक्सेसफुल होती है तो वर्ल्ड लेवल पे जो है इंडिया को एक नया मुकाम देने में हेल्प करेगा. हालांकि इंडिया काफ़ी हद तक अपने लेवल पे बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे टॉप कर रहा है, उसी फील्ड में एक नया नाम जुड़ जाएगा इंडिया के लिए कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स के अंदर, या हम कह सकते हैं इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए जो न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उस पर बेस्ड टॉप सिटी के अंदर काउंट होगा दिल्ली. ठीक है. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ द नेक्स्ट इज़ बेसिकली एडिटोरियल एंड हेयर वॉट इट इज़ अलर्ट एमिड अनसर्टेनिटी. इट इज़ ऑल अबाउट RBI एंड इट्स कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन की परिस्थिति को देखते हुए, इन्फ्लेशन की कंडीशंस जो है उत्पन्न होने की संभावना है उसको देखते हुए RBI ने इंटरेस्ट रेट्स को जो है होल्ड कर लिया है अभी. एंड द RBI हैज़ प्रूडेंटली डिसाइडेड टू कीप इट्स पाउडर ड्राई फॉर नाउ. एज ऑफ नाउ जो है इंटरेस्ट रेट्स को एज इट इज़ रखा जाएगा एंड अदर एक्टिविटीज़ को भी एज इट इज़ रखा जाएगा. एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी को देखते हुए जो है करंट आउटलुक जो है अगर देश का देखा जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखा जाए, इन्फ्लेशन की कंडीशंस को देखा जाए, तो इन सब के जो कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं उन सबको देखते हुए एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी की संभावनाएं बनती हैं, जिसके कारण अभी एज ऑफ नाउ कोई भी चेंजेस लाने से RBI ने मना कर दिया है. RBI सेड दैट वाइल द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी रिकॉग्नाइज द प्राइमेसी ऑफ सपोर्टिंग अ रिकवरी, इट वॉज नेसेसरली माइंडफुल ऑफ इट्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट. द पिक्चर ऑन प्राइजेज इज क्लाउडेड बाई मैनी अनसर्टेनिटीज. वाइल द प्रोवेशनल जून CPI इन मैनी अनसर्टेनिटी सॉरी इन्फ्लेशन सॉरी या CPI इन्फ्लेशन रीडिंग ऑफ 6.1% हैड एजिड ओवर द अपर बाउंडेड ऑफ द मैंडेटेड मीडियम टर्म गोल ऑफ 4%±2%. जैसा कि आप सभी को पता है CPI जो है कॉस्ट प्राइस इन्फ्लेशन जो है उसके बेसिस पे जो इन्फ्लेशन की गणना की जाती है इंडिया में. मैं आपको बता देती हूँ इन्फ्लेशन का चैप्टर मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था. इंडिया के अंदर जो WPI है पहले उस पर होलसेल प्राइस रेट्स पर इन्फ्लेशन को जो है कैलकुलेट किया जाता था, लेकिन अब जो है CPI कॉस्ट प्राइस बेसिस पर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है. और इसका जो रेशियो है या हम कह सकते हैं परसेंटेज है इसको काउंट करने का, तो वो है 4%±2%. ये जो है इस स्तर तक जाते जाते जो है इकोनॉमी अभी अपने लेवल पे है, इन्फ्लेशन जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में जा रहा है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो नेगेटिव वे में चला जाता है. और जैसी अभी संभावनाएं दिख रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं RBI को ये डर है कि इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो सकती है ना. और CPI बेसिस पर हमने 2014 में करीब जो है CPI फार्मूला को अपनाया है. RBI ने इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए CPI फार्मूला को फॉलो किया है करीब 2014 में. तो उसके मुताबिक जो 4% है जो है वो बेसिक जो हम कह सकते हैं मीडियम टर्म कह सकते हैं हम इसे, वो है इन्फ्लेशन का, जबकि CPI कैलकुलेट करने का और प्लस माइनस में 2% रखा गया है. तो 6.1% जो है एज ऑफ नाउ रेट्स जा चुकी हैं. उसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि 6.4%±2% इट मीन 6% तक होना चाहिए. इससे ज़्यादा अगर जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह होता है. तो 6.1% की पोजीशन अभी हो गई, मतलब एज से जस्ट ऊपर पहुंच गए हम. अगर यही पोजीशन बनी रही तो इंडिया विल गोइंग टू बी इन सिवियर पोजिशन ऑफ गेटिंग इन्फ्लेशन. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. द लेटेस्ट राउंड ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइजेज एंड प्राइस ग्रेन्स इन एन RBI सर्विस शोज दैट कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू रिमेन एलिवेटेड इन द नियर टर्म, फाइंडिंग दैट द RBI असेसमेंट ब्रॉडली बैक्स. ओके,
सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, अभी एज ऑफ नाउ आरबीआई को ये कंडीशन का डर है कि आने वाले टाइम में जल्दी ही हमें इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा, और जिस तरीके से कि रेट जो है बढ़ रही है, 6.1 हो चुकी है, मतलब अपर एज के भी जस्ट ऊपर जा चुकी है, तो उस कंडीशन को देखते हुए आने वाले दौर में जल्द ही हमें इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ सकता है, और ये जो इन्फ्लेशन की दौर होगा, इन्फ्लेशन का कंडीशन होगी, उसे एज ऑफ नाउ कोविड-19 को देखते हुए, पेंडेमिक को देखते हुए कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार अपने स्तर पे हर प्रयास संभव प्रयास कर रही है, आरबीआई अपने स्तर पे हर संभव प्रयास कर रही है। जीडीपी रेट जो है हमारी टोटली डाउन हो चुकी है, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, उसी के साथ में यह इन्फ्लेशन की रेट का बढ़ जाना, सीपीआई कॉस्ट के सीपीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 6.1% तक चले जाना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इकोनॉमी का बहुत वर्स्ट लेवल पे जाने की कंडीशंस को दर्शाती हैं। अब आरबीआई इसके अकॉर्डिंग क्या डिसीजंस लेता है, आने वाले टाइम में क्या सरकार के प्रयास होते हैं, हम लोगों के क्या प्रयास होते हैं इकोनॉमी को वापस से जो है ओवरकम करने का, तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में पता चलेगी। लेकिन अलर्ट कंडीशन तो है, अलर्टिंग पोजीशन तो है हमारी इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी अगर मैं एक्चुअली अपने लेवल पे, अपने माइंड प्रोसेस, थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग बात करूं, वी हैव सच अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, इंडिया इज़ हैविंग टॉप लेवल इकोनॉमिस्ट, एज वी कैन से, एज आई कैन से, मिस्टर मनमोहन सिंह जी, लेट पीएम, सॉरी फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह जी, राइट? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इज़ अ पर्सन हु इज़ द टॉप लेवल पर्सन ऑफ इकोनॉमिक्स, और आई कैन से द टॉप लेवल इकोनॉमिस्ट एट ऑल। सो वी शुड गो फॉर ऑल दीज थिंग्स, वी शुड गो फॉर इकोनॉमिस्ट, वी शुड कंसर्न अबाउट दिस, ऑल दीज मैटर्स वी शुड बी कंसर्न, एंड वी शुड टॉक अबाउट ऑल दोज पर्सन्स विथ दिस कंसर्न बिहेवियर, एंड इवन दे कैन सी वट वी शुड सी डू, आई मीन वी हेयर वी मीन्स दी अथॉरिटीज़, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दी अथॉरिटीज़, अ पर्सन्स हु आर हैंडलिंग द होल सिचुएशन, आरबीआई गवर्नर्स, आरबीआई ऑफिशियल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऑल दोज पीपल्स हैव टू टॉक अबाउट ऑल दीज मैटर्स टू ऑल दोज पीपल्स हु आर द टॉप लेवल इकोनॉमिस्ट इन इंडिया। एज आई सेड, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी who launched the LPG policy, and it was the most successful policy on, I can say, global level policy. It was a globally successful policy, and this was a policy which I can say changed the situation of India over a night. Okay, so here we should go for it. The economist should involved on in all these matters, and they should be concerned about their country's economy at all. द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन कंसोलिडेटिंग कंट्रोल अपोजिशन डिस एरे। देखिए बेसिकली ये आर्टिकल जो बेस्ड है, इस आर्टिकल को मैं आपसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। श्रीलंका पोडुजना पैरामोना पार्ट जो लीडिंग जो पार्टी है उसके मेंबर जो है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, महिंद राजपक्ष जो कि अभी एज ऑफ नाउ जो है पीएम है वहाँ के, श्रीलंका के, उनके बारे में बात की गई है। वहाँ पे जो कंडीशंस चल रही है, वहाँ पॉलिटिकल सिचुएशंस जो चल रही हैं, उनका जो कंट्रोल है या उनके खिलाफ जो चीज़ें चल रही है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट, एंड ये सारी चीज़ें, ये आर्टिकल आप खुद से पढ़ेंगे, एक ये आर्टिकल और एक ये वाला आर्टिकल, इंटरप्रेटिंग दी श्रीलंकन मैंडेट, तो ये पूरा आर्टिकल भी बेस्ड है श्रीलंका पर और उसके पीएम पर, कैसे उन्होंने पेंडेमिक को होल्ड ऑन किया, कैसे सिचुएशन को कंट्रोल में लेकर आए, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया, और कैसे अपने आप में इस सरकार ने टॉप लेवल पे खुद को पहुंचाया, एंड दे प्रूव देमसेल्व्स एज दी मोस्ट सक्सेसफुल पार्टी और मोस्ट सक्सेसफुल पीएम एट ऑल। सो लेट्स सी क्या जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्या सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, और अगर ऐसा है कि वो एक सक्सेसफुल पार्टी है तो क्यों न्यूज़ में है और क्यों उनको अपोज किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर खुद से पढ़ेंगे। पॉलिटिकल सिचुएशंस ऑफ श्रीलंका जो है उसके बारे में ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है।
और ये पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाता है, अदर जब आप मेंस राइटिंग करते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में या अदर कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, तो ये आपके लिए एक एग्जांपल बन के सामने आएगा। मतलब आप एग्जांपल के तौर पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को भी सामने रख सकते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग में ये आपकी हेल्प करेगा, सो यू शुड गो फॉर इट। ये दोनों ही आर्टिकल, चाहे आप ये ले लीजिए और चाहे आप ये वाला आर्टिकल लीजिए, दोनों आर्टिकल आप खुद से पढ़ेंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि श्रीलंका में क्या पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज अ कैंपेन इन केरला टू सबवर्ट एंड अल्टरनेटिव पाद पोजिशंस मूव अगेंस्ट द लेफ्ट एम्स टू डिस्टैब्लिश द ओनली नॉन नियो लिबरल वे ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की बात की गई है यहाँ पे, एंड इट इज़ ऑल अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी इन केरला। एंड 5 सालों के अंदर उन्होंने जो पॉलिसीज़ फॉलो की है, उन्होंने जो एफ़र्ट्स लगाए हैं लास्ट 4 ईयर्स के अंदर, 5th ईयर में एंटर कर चुके हैं फाइनली गवर्नमेंट केरला की, एंड उसी के बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं, उन्हें किन किन चैलेंजेस को जो है सामना करना पड़ा, अभी क्या चैलेंजेस हैं उनके सामने, आने वाले टाइम में क्या होंगे, उनका हिडन एजेंडा क्या है, और इनके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। द पीपल ऑफ केरला विल सर्टेनली realize the hidden agenda of the opposition and will support the only non-lean। देखिए बेसिकली जो अपोजिशन पार्टीज़ रेज अप होती हैं, अपोजिशन पार्टी जो इशू रेज करती हैं, यूजुअली सब कुछ सक्सेसफुल चलते हुए भी अपोजिशन पार्टीज़ द्वारा कुछ ना कुछ इशू रेज कर दिया जाता है जो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है उस पार्टी के ऊपर जो अपने पूरे संभव हर संभव प्रयास कर रही है देश में विकास या पर्टिकुलर सिटी या स्टेट में विकास का, है ना। तो यही चीज़ यहाँ चल रही है कि केरला के अंदर अपोजिशन पार्टी जो है वो अपोज कर रही है रूलिंग पार्टी को, रूलिंग पार्टी अपने स्तर पे 5th जो है गवर्नमेंट के अंदर एंटर कर चुके हैं 5th ईयर के अंदर, और अपने हर संभव प्रयास कर रही है सिचुएशंस को हैंडल करने के। और इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या चीज़ों को जो हिडन एजेंडा फॉलो कर रही है, वो एजेंडा क्या है वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि सदन जितने भी स्टेट्स हैं उनका अपने आप में, चाहे आप NDA लीजिए चाहे UPA लीजिए, इन सबसे थोड़ा अलग अस्तित्व है, अपनी अलग पार्टीज़ को रूल करते हैं वहाँ पे, और ये रूलिंग पार्टीज़ होती है वो सिर्फ अपने स्टेट को टॉप पे ले जाने पर प्रयास करती है, प्रयासरत रहती है। तो वहाँ पर गवर्नेंस को जो है प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि गवर्नमेंट को, है ना। तो अदर स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ जहाँ UPA NDA गवर्नमेंट है या अदर और भी कोई गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे यूजुअली जो है दी प्रायोरिटी दी जाती है गवर्नमेंट को, ना कि गवर्नेंस को। लेकिन सदर्न स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने जितना पिछले कई सालों में देखा है और पढ़ा है इन स्टेट्स के बारे में, इनकी गवर्नेंस के बारे में, तो वहाँ की जो पब्लिक है या वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, रूलिंग पार्टीज़ होती हैं, वो यूजुअली ध्यान देती है गवर्नेंस पे, ना कि गवर्नमेंट पे। और अभी एज ऑफ नाउ क्या सिचुएशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस आर्टिकल में मिलेगी। इंडीड ट्रांसपेरेंसी इज़ अ गवर्नेंस वैल्यू दैट द LDF ऑब्जर्व इन प्रैक्टिस एज केरला CM पिनराई विजयन जो है डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रूव करती है ये चीज़ें कि वो अपने लेवल पे सभी अथक प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल सक्सेसफुल वर्क कर रहे हैं। ही प्रेजेंट्स अ डिटेल रिपोर्ट ऑन COVID-19, उन्होंने COVID-19 की जो सिचुएशन है स्टेट के अंदर उस पर भी उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट जारी की है। उसी के साथ में टेक्स क्वेश्चन फ्रॉम द मीडिया इवन द मोस्ट टेंडेशियस एंड एग्रेसिव ऑफ दैम। इवन मैं अगर बात करूं कि काफ़ी एग्रेसिव क्वेश्चंस ले लीजिए या काफ़ी आपत्तिजनक प्रश्नों के भी उन्होंने बहुत अच्छे से उत्तर दिए, इन सब चीज़ों को देखते हुए उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, डेली रिपोर्ट जारी करना, COVID-19 की रिपोर्ट जारी करना, सक्सेसफुल वर्क करना, ये सारी चीज़ें शो करती है कि ये अपने आप में एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट है। और वहाँ की जनता भी जान चुकी है वहाँ के लोग, वहाँ जो अपोजिशन पार्टी के हिडन एजेंडा को, कि वो क्या एजेंडा फॉलो कर रहे हैं इस जो करंट गवर्नमेंट है उसको गिराने के लिए, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन दिस गवर्नमेंट ओनली एंड केरला की सरकार पर बेस्ड है। केरला की अपोजिशन जो भी मूव्स ले रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है अभी की सरकार पर और इससे डेवलपमेंट पर क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये सिर्फ केरला का कंसर्न नहीं है, ये पूरे इंडिया का कंसर्न है कि अगर हम इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं, अपोजिशन पार्टीज़ की बातों को फॉलो करते रहते हैं,
हैं, तो क्या हम एक सक्सेसफुल राज्य राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं? ये मेरा एक क्वेश्चन मार्क है और इस पर आपके क्या सुझाव हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? ये आर्टिकल मैंने आपसे कहा है कि SLPP पर बेस्ड है, श्रीलंका पोडुजना पेरामुना जो पार्टी है उसी पर बेस्ड है और उसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर, उसकी कैपिटलाइजिंग पर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर बेस्ड है। इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया गया, अपोजिशन पार्टीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है और श्रीलंका की करंट गवर्नमेंट के जो सिस्टम है कैसे उन्होंने ड्रग वॉर या पेंडेमिक वॉर को, पेंडेमिक सिचुएशन को हैंडल किया, कैसे उन्होंने डिसीजिव, उनके डिसीजिव फैक्टर्स क्या हैं और पार्टी सिस्टम को शिफ्ट जो किया है, पार्टी सिस्टम में जो शिफ्ट में देखने को मिला है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप खुद से पढ़ेंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज फूड विजन 2050 प्राइज। फूड विजन 2050 प्राइज जो है वो नंदी फाउंडेशन को दिया गया है इट्स अराकुनॉमी मॉडल वॉज अप्लाइड इन अराकू एंड वर्धा। अराकू एंड वर्धा के अंदर जो है इसे, इस मॉडल को अप्लाई किया गया था, उसके चलते वहाँ पे ग्रेट जो है फूड जो है हम देख सकते हैं कि ग्रेट लेवल पे जो है फूड विजनरीज को फॉलो किया गया, टॉप 10 विजनरीज को फॉलो किया गया वर्ल्ड के। बेसिकली इस प्राइज में क्या होता है, फूड विजन 2050 प्राइज में वर्ल्ड के टॉप 10 विजनरीज जिन्होंने टॉप क्लास विजन के साथ में जो है अपने टॉप क्लास सिस्टम के साथ में फूड विजन को फॉलो करते हुए फूड लेवल पे टॉप किया है, चाहे फूड क्वालिटी ले लीजिए, चाहे फूड क्वांटिटी ले लीजिए, या फूड का जो सिस्टम जो विजन फॉलो कर रहे हैं उस पर बेस्ड है ये आर्टिकल, ठीक है? नॉन प्रॉफिटेबल NGO है ये, फाउंडेशन है नांदी फाउंडेशन। नांदी फाउंडेशन को जो है टॉप 10 विजनरीज जो है वर्ल्ड के 2020-2050 फूड विजन प्राइजेस के अंदर सम्मिलित किया गया है और इससे नवाजा गया है। द रिकॉग्निशन फैचेज नांदी अ प्राइज मनी ऑफ $2 lakh, ओके? A farmer in the coffee state of Nandi, you can see here in Araku. Araku और वर्धा के अंदर जो है इस अराकूनॉमिक्स मॉडल को फॉलो किया गया था, अप्लाई किया गया था, उसी के चलते इस नांदी फाउंडेशन ने अपने आप को टॉप किया है और फूड विजन 2050 प्राइज में जो है टॉप किया है, टॉप 10 विजनरीज में सम्मिलित किया है खुद को। सो इट इज़ अ गुड थिंग दैट वी शुड लर्न, इवन एवरी इंडिविजुअल गवर्नमेंट शुड लर्न दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज, every individual should learn all these things and they should try to be the part of these type of prizes at all, okay? The next is leopard poaching जो है उसके अंदर उत्तराखंड ने टॉप किया, highest level पे leopard poaching जो है उत्तराखंड और महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। it is all about it, the recent study of traffic जो कि किया गया है उसके अंदर जो कॉमन लेपार्ड्स के चलते जो लेपार्ड पोचिंग की अगर बात करें तो उसके अंदर इन दोनों स्टेट्स ने, उत्तराखंड और महाराष्ट्र ने टॉप किया है, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें आप इस आर्टिकल को आप खुद से पढ़ेंगे एंड लेपार्ड पोचिंग के बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि केस की क्या क्या इम्पैक्ट हैं, क्या है ये और इससे होने वाले इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है? सो आज के सारे आर्टिकल जितना हो सकता था मैक्सिमम लेवल पे हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा कोई इशू है, कोई आर्टिकल है जो रह जाता है आज के न्यूज़पेपर में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा और कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आई विल डेफिनेटली लेट एक्सप्लेन इट, ओके? थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।